हैदराबाद में महिला वेटरनरी डॉक्टर के गैंगरेप और उसकी हत्या के चारों आरोपियों की अब मौत हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक उन्हें एनकाउंटर में मारा गया है। साइबराबाद पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस एनकाउंटर की डिटेल्स बताई हैं। इस दौरान पुलिस कमिश्नर बीसी सज्जनार ने कहा कि मैं इतना कह सकता हूं कि कानून ने अपना काम किया है। पुलिस के मुताबिक ये एनकाउंटर सुबह 5:45 से 6:15 के बीच हुआ था। पुलिस ने इन चारों आरोपियों को 29 नवंबर को गिरफ्तार किया था और 30 नवंबर को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। 2 दिसंबर को पुलिस ने इन आरोपियों की 10 दिनों की कस्टडी मांगी थी। इन आरोपियों से 4 और 5 दिसंबर को पुलिस कस्टडी में पूछताछ की गई थी। इसके बाद पुलिस आगे की जांच बढ़ाने के लिए 6 दिसंबर की सुबह आरोपियों को मौकाए वारदात पर लाई थी। पुलिस ने कहा कि जैसे ही हम मौके पर पहुंचे, इस दौरान चारों आरोपी एकजुट हो गए और उन्होंने लकड़ी और नुकीली चीजों से पुलिस पर अटैक किया। उन्होंने हथियार छीनकर पुलिस पर फायरिंग भी की। इस दौरान आरोपियों को चेतावनी दी गई और सरेंडर करने के लिए कहा गया, हालांकि उन्होंने फायरिंग करना जारी रखा। इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें चारों आरोपियों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 हथियार भी बरामद किए जाने की बात कही है। पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर के दौरान करीब 10 पुलिसकर्मी मौजूद थे। पुलिस को मौके से महिला डॉक्टर का सेल फोन भी मिला है। इसके साथ ही पुलिस ने कहा कि उसे शक है कि आरोपी कर्नाटक में भी कई मामलों में संलिप्त थे, जिस पर जांच चल रही है। इस एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों के बीच पुलिस ने कहा कि मानवाधिकार आयोग से लेकर राज्य सरकार तक जो भी संबंधित पक्ष इस मामले का संज्ञान लेता है, हम सभी को जवाब देंगे।